कॉमरेड उसे कहते हैं जो लोगों के हक के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था, उसका जाना मेरे वजूद की मौत। बॉबी तुम पूरा कैंपस सर पे उठा लेते हो। सर कॉलेज में अगर कोई पॉलिटिक्स करे तो प्लीज आप उसे रोकिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है इसे, तुम्हारा एग्रेशन। थैंक यू सर। लोगों की भलाई के लिए लड़ना ठीक है, पर जब तुम ये लड़ाई हारोगे ना, तब तुम्हें यही बात सबसे ज्यादा खलेगी। ए लिली, मैं चाहता हूं मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूं। कैसे बना लिया तुमने इस घमंडी को दोस्त? भाव ही नहीं देती है। अपनी जर्नी का एक हिस्सा मुझे भी बना ले लिली, आज से मैं तुम्हारा कॉमरेड। तुमने कहा तुम हमेशा साथ रहोगे, पर मुझे बस यही डर लगता रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। भूल जाओ मुझे, उस आदमी को, डैड को, सोसाइटी को, पर एक बार खुद सोचो, एक बार खुद सोच के देखो कि तुम क्या चाहती हो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो लिली, ऐसे कायरों की तरह कब तक भागती रहोगी? बॉबी प्लीज, बॉबी मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज बॉबी, बॉबी प्लीज। तुझे गलत फहमी है कि तू मुझे डरा लेगा, मुझसे ज्यादा तो तू डरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है।